जयभान सिंह पवैया विनय कटियार के बाद बजरंग दल के दूसरे अध्यक्ष थे। जयभान सिंह ये बताते हैं कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां 6 दिसंबर सन 1992 के दिन कार्रवाई करने की दिशा में विभाजित थीं। जयभान सिंह के अनुसार बाबरी मस्जिद को गिराए जाने के सवाल पर डॉक्टर सिंघल, एलके आडवाणी, एचवी शेषाद्री और दूसरे धार्मिक नेता बाबरी मस्जिद को गिराने के पक्ष में नहीं थे, जबकि डॉक्टर जोशी, आचार्य गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया और कुछ लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि जब पहले ही 2 लाख लोगों को इस काम के लिए बुला लिया गया है तो बाबरी मस्जिद को क्यों नहीं गिराना चाहिए। शेषाद्री जी सरकार आडवाणी जी और साधु संतों का एक वर्ग, तो मैंने टॉप के साधु संत, इन्होंने हनुमान बाग अयोध्या में बैठक करके 5 दिसंबर को ये डिसाइड किया था कि हम किसी प्रकार के ढांचे पर की अभी इलाज नहीं करेंगे, टकराव को टाला जाए। लेकिन एक तो वैसी धारा थी, एक अलग स्ट्रीम भी जो चाहती थी कि जब 2 लाख लोग बुलाए जा चुके हैं तो उनके साथ धोखा नहीं करना चाहिए, कार सेवा करिए। उसमें मुरली मनोहर जोशी, आचार्य गिरिराज किशोर, भानु प्रताप शुक्ला, पत्रकार डालमिया जी, धर्मेंद्र जी, ये एक ऐसा वो था जो चाहते थे कि कुछ होना चाहिए। मान लो कि हम और विनय कटियार दोनों भी शामिल, हम लोगों का कहना ये था कि अगर एक ईंट भी गिरी तो सरकारें गिरनी है जी। और पूरा किया तो भी होना है और होने से रोका नहीं जा सकता। दूसरी तरफ अंडरग्राउंड तौर पर एक शेषनाग वाहिनी लोगों ने बना ली जी। और उसमें तोड़ने की ट्रेनिंग, मतलब कैसे चढ़ेंगे कैसे जाएंगे ऐसा कर रहे थे, हालांकि अधिकृत नहीं था मामला, पर ऐसे भी लोग थे जो ट्रेनिंग करते कि रस्ते ऐसे लगाएंगे फलाने नहीं करें। तो जयभान सिंह बताते हैं कि बाबरी मस्जिद को गिराने से ठीक एक दिन पहले 5 दिसंबर को अयोध्या के हनुमान बाग की मीटिंग में यही मुद्दा था। इस मीटिंग में विनय कटियार भी मौजूद थे। जयभान सिंह के अनुसार हम और विनय कटियार भी शामिल थे। ये मालूम था कि अगर एक ईंट भी गिरी तो सरकारें गिरनी है और पूरा किया तो भी होना है और होने से रोका नहीं जा सकता। जयभान सिंह यह भी बताते हैं कि इसके साथ ही साथ अंडरग्राउंड ट्रेनिंग भी चल रही थी। जयभान कहते हैं जितने लोग भी थे ट्रेनिंग करके के रस्से ऐसे लाएंगे, ये ऐसे करेंगे। संयोग बस मुरली मनोहर जोशी उस समय भाजपा के अध्यक्ष थे। जयभान सिंह रिपोर्टर को आगे बताते हैं कि मस्जिद के गिरने के बाद डॉक्टर अशोक सिंघल ने सबसे पहले कार सेवकों की भीड़ को बधाई दी थी। थे उस समय लेकिन ढांचा पूरी तरह टूट गया तो सबसे पहले बधाई देने वालों में सर अशोक जी थे। उन्होंने स्थिति को स्वीकार किया कि ये कोई हनुमान जी की इच्छा है, ऐसा करके अशोक सिंह नॉर्मल थे, आडवाणी जी उनसे चले गए। जयभान सिंह ने मंच से अलग 6 दिसंबर को एक अन्य राजनीतिक घटना के बारे में खुलासा किया। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह एक ऐसी कठपुतली बन चुके थे जिसे एक रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा था। कल्याण सिंह ने त्याग पत्र देने की तैयारी कर ली दोपहर में 1 बजे,
और डॉक्टर जोशी को कन्वे किया मैं पैसा तो दे रहा हूँ, जोशी वाइस प्रेसिडेंट जी। डॉक्टर जोशी ने कहा कि किसके कहने जी, उन्होंने कहा कि अटल जी ने बोला जी। डॉक्टर जोशी ने कहा हुई अटल जी, आई एम पार्टी प्रेसिडेंट, जब तक पूरा टूट नहीं जाए तब तक कोई सेना और फोर्स का प्रवेश नहीं होना चाहिए जी। और आप चार पक्ष नहीं बनेंगे, सेना आ जाएगी आपने अगर चार पक्ष दे दी जी, चार पक्ष नहीं देने दिए जी। ये मंच का सीन जयभान सिंह यह भी बताते हैं कि पार्टी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी मस्जिद के पूरी तरह से गिर जाने के बाद ही कल्याण सिंह का इस्तीफा चाहते थे। जयभान सिंह के अनुसार जोशी ने कहा जब तक पूरा टूट ना जाए कोई सेना या फोर्स का प्रवेश नहीं होना चाहिए और आप त्यागपत्र नहीं देंगे, सेना आ जाएगी अगर आपने त्यागपत्र दे दिया। आचार्य धर्मेंद्र ने बुलंदी दिखाई, वहाँ रोचक प्रसंग एक ये आया कि मलबा बहुत इकट्ठा हुआ, वो समस्या बन गया कि रामलला कैसे रखेंगे, रामलला को तो उठा लिया था आचार्य धर्मेंद्र ने, एक अपील की तुम जिन ईंटों पर थूक रहे हो घृणा से, ये विजय का प्रतीक है, इनको अपने घर की पूजा में ले जाकर रखो। तो एकदम से 2 लाख लोगों ने ईंटों और पतंग लगने के शुरू कर दिया, तो वो देखने ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न था जी, नहीं तो मलबा वहीं पड़ा रह जाता जी। मतलब विद इन हाफ एन आवर वहाँ पता नहीं लगा मलबा कहाँ है, सब अपने अपने हाथों में ईंटों को लेकर गायब कर जी, जिसको CBI ने बाद में बहुत ढूंढा है देश में जी। जयभान सिंह रिपोर्टर को बताते हैं कि आचार्य धर्मेंद्र ने एक अलग तरह की रणनीति को धार्मिक विश्वास के नाम पर कार सेवकों को बेवकूफ बनाया। उन्होंने कहा कि तुम जिन ईंटों पर थूक रहे हो घृणा में, ये विजय का प्रतीक हैं। इनको अपने घर की पूजा में ले जाकर रखो। विद इन हाफ एन आवर में पता नहीं लगा कि मलबा कहाँ है, सब अपने अपने हाथों में ईंटों को लेकर गायब हो गए। पेट्रोल पंप के उपयोग के विवाद पर जयभान सिंह ने रिपोर्टर को इशारों ही इशारों में बताया कि वह पेट्रोल बम ही था। एक पेट्रोल बम 2 बजे कोई लेकर आया, जो पीठ में लगाने के बाद धुआं निकल कर रह गया, उसको फैला के नहीं। पेट्रोल बम कोई नहीं लाया, पेट्रोल बम कोई आदमी 2 बजे लाया कि इससे उड़ जाएगा, वो कोई वैसा योजना में ऐसे तो ब्रजभूषण लाया था। अरे पेट्रोल बम भी नहीं, बोतल में पेट्रोल भरी थी। जयभान सिंह हमें बताता है कि ब्रजभूषण सिंह जो कि गोंडा से भाजपा का सांसद था, वह पेट्रोल बम का उपयोग ढांचा गिराने में कर रहा था लेकिन बम नहीं फटा। जयभान सिंह आगे यह भी बताता है कि किस तरह से PAC के जवान कार सेवकों का मस्जिद गिराने के समय उत्साह बढ़ा रहे थे। वहाँ जो निर्माण कार्य का वो स्टोर था, उस स्टोर को तोड़ के सामान निकल उसमें रखते थे, और PAC जो उत्तर प्रदेश की है उसने नशेनी और ये सारी चीजें लोगों के हाथ में दी कि इसको साले को सिर दर्द को खत्म करो, तो वो लोग सहयोग करके खड़े गए। मतलब PAC केवल मतलब पूरी सैनिक मिलिट्री फोर्स ये कह रहा था कि क्या क्या और चाहिए तुम तोड़ डालो, ये था। लोग नष्ट हो जाएं इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले कुर्सी मिले।